नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा पेट दर्द के कारण के बारे में, कॉसेस ऑफ एब्डोमिनल पेन। यदि लंबे समय से किसी को पेट दर्द की शिकायत रहती है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो हमारे पेट को हम 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, अम्बलाइकल रीजन, राइट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा और हाइपोगैस्ट्रियम। ये 9 पार्ट होते हैं एब्डोमन के। तो इसके हिसाब से हम पता लगाते हैं कि कौन से हिस्से में दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सा ऑर्गन है, क्या कारण हो सकता है। तो यदि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में यदि दर्द हो रहा है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम बोलते हैं जो पेट का सबसे ऊपरी भाग और जो राइट साइड का भाग जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर यदि दर्द हो तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर लीवर होता है, गाल ब्लेडर होता है, किडनी का कुछ पार्ट होता है। तो इन ऑर्गन में किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर यहाँ पर दर्द होता है, जैसे कि हिपेटाइटिस हो गया, ज्वाइंटिस हो गया, गाल ब्लेडर में इन्फ्लामेशन जिसे कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं, गाल ब्लेडर स्टोन, किडनी की कोई बीमारी इत्यादि कारण से यहाँ पर पेन होता है। बाद एब्डोमन का जो सेकंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन या लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो इस पार्ट में स्टमक होता है, स्प्लीन होता है, पेनक्रियास होता है और किडनी का कुछ भाग होता है। तो इन सब ऑर्गन में किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर इस पार्ट पर दर्द हो सकता है, जैसे कि गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, पेनक्रियाटाइटिस, स्प्लिनोमेगाली या किडनी की बीमारी, ये सब बीमारी होने पर यहाँ पर पेट दर्द हो सकता है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के बीच में होता है एपिगैस्ट्रिक रीजन, जो हमारे ये जो ब्रेस्ट है उससे जस्ट नीचे में एक गड्ढन रचना होता है, उसको जहाँ पर स्टर्नम में खड्डी होती है चेस्ट के बीचों बीच, तो जहाँ पर स्टर्नम ख़त्म होता है वहाँ पर उसको बोलते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में यदि दर्द हो तो इसका एक सामान्य कारण हो सकता है एसिडिटी, आपके पेट में यदि ज़्यादा एसिड बढ़ रहा हो तो उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। अल्सर के कंडीशन में जैसे पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर इत्यादि के वजह से भी, या फिर एसोफेगाइटिस या एसोफेगल गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज, इन सब के कारण से भी एपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द हो सकता है। उसके बाद जो चौथा पार्ट है एब्डोमन का वो है राइट लंबर रीजन, यहाँ पर ये कमर के पास में। तो वहाँ पर यदि दर्द हो तो वहाँ पर एक तो हमारी जो बड़ी आंत होती है और छोटी आंत का भी कुछ हिस्सा होता है, महिलाओं में यूट्रस होता है, यहाँ पर किडनी भी होता है, यूरेटर यानी कि पेशाब की नली भी होती है। तो इन सब में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसकी वजह से राइट लंबर रीजन में दर्द हो सकता है। उसके बाद जो पांचवा पार्ट है वह है लेफ्ट लंबर रीजन। तो लेफ्ट लंबर रीजन में भी वही चीज़ें होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट होता है और यूट्रस का कुछ पार्ट होता है, किडनी होती है, यूरेटर होता है। तो इन सब में किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे कि किडनी की कोई बीमारी हो, किडनी में कोई स्टोन हो, नेफ्रोसिस्टाइटिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह हो, तो उसकी वजह से दर्द कर सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो या रुकावट हो तो उसके वजह से भी दर्द कर सकता है। यूरेटर में किसी भी प्रकार की समस्या हो या रुकावट हो जैसे स्टोन वगैरह हो तो उस कंडीशन में भी वहाँ पर दर्द हो सकता है। उसके बाद फिर हमारा जो छठवां पार्ट होता है उसको बोलते हैं अम्बिलिकल रीजन
यानी कि नाभि के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं अम्ब्लाइकल रीजन। तो वहाँ पर यदि दर्द हो तो वहाँ पर जो अंग होते हैं उसमें है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और अम्ब्लाइकस होता है। तो जैसे अम्ब्लाइकल हर्निया वगैरह हो जाए या छोटी आंत में किसी भी प्रकार की समस्या हो या दस्त हो रहा हो या गैस वगैरह की समस्या हो तो उसके वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है। अगला जो हमारा सातवां पार्ट है एब्डोमन का वो है राइट इलियक फोसा। राइट इलियक फोसा में यदि लंबे समय से दर्द हो, एब्डोमन पेन हो, तो वहाँ पर जो अंग होता है उसमें किसी प्रकार की समस्या होने पर वह वहाँ पर दर्द हो सकता है। तो राइट इलियक फोसा में वहाँ पर अपेंडिक्स होता है और पेशाब की थैली होती है, महिलाओं में यूट्रस और फलेबियन ट्यूब ओवरी वगैरह होता है। तो इन सब में किसी प्रकार की समस्या आने पर जैसे कि अपेंडिसाइटिस होने पर और महिलाओं में पीरियड के समय ओवरी में किसी प्रकार की बीमारी सिस्ट वगैरह होने पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने पर ये सब समस्याएं होने पर पेट दर्द हो सकता है। अगला एब्डोमन का जो पार्ट है वो है लेफ्ट इलियक रीजन या लेफ्ट इलियक फोसा भी बोलते हैं। यहाँ पर भी राइट इलियक रीजन की तरह ही छोटी आंत का कुछ पार्ट, बड़ी आंत का कुछ पार्ट, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज, यूट्रस का कुछ पार्ट और हमारा जो आहार नाल है उसका सबसे अंतिम भाग रेक्टम जिसमें मल इकट्ठा होता है वो होता है। उसके बाद सबसे जो आखिरी पार्ट है हमारा एब्डोमन का उसको बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रियम। मतलब हमारा जो सबसे एब्डोमन का निचला पार्ट है जो बीच जिसको प्यूबिक एरिया भी बोलते हैं उसके जस्ट ऊपर, वहाँ पर यदि लंबे समय से दर्द हो तो उसका कारण हो सकता है यूरिनरी ब्लैडर में किसी भी प्रकार की समस्या हो जैसे सिस्टाइटिस हो, स्टोन हो, यूरिनरी ब्लैडर में कोई ट्यूमर वगैरह हो तो उसके वजह से वहाँ पर एब्डोमन पेन हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।